हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आने वाली जन्माष्टमी के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज के ये मेरे दोनों ब्यूटीफुल से डीआईवाई मैंने जन्माष्टमी की थीम को ध्यान में रखते हुए ही बनाए हैं। आई होप कि ये दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल से डीआईवाई आपको पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डीआईवाई जो कि है ये ब्यूटीफुल से म्यूरल कृष्णा जी। इसे बनाने के लिए मैंने एक हार्डबोर्ड लिया है। ये बेसिकली मेरी बेटी की एक ओल्ड स्लेट है जिसके हार्डबोर्ड को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास हार्डबोर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर इजीली कार्डबोर्ड के पीस का भी यूज़ कर सकती हैं। तो अब हम इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करेंगे। टेक्सचर पेस्ट को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पीओपी पाउडर। इसमें हम डालेंगे ग्लू और पानी। इन तीनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखते हुए इसका एक पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट की लेयर को हम हमारे कार्डबोर्ड या फिर हार्डबोर्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी बेटी को आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। स्पेशली उसे पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आपने मोस्टली डीआईवाईज में उसे देखा होगा। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करती हूँ ताकि उसका भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में और उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। अगर आपके बच्चों को भी इस तरीके की चीज़ें पसंद है तो आप इन डीआईवाईज में उन्हें भी इन्वॉल्व कर सकती हैं। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर पर रहकर काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं, तो इस तरीके का पेंटिंग या फिर कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क उनके लिए एक अच्छी एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्रश की हेल्प से देखिए मैंने इस टेक्सचर को इस हार्डबोर्ड के ऊपर अप्लाई कर दिया है। इसकी एक लेयर को अप्लाई करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने देना है। तो देखिए अब इसकी ये लेयर काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई हो गई है। अब मैं इसके ऊपर पेंट करूँगी। यहाँ पर मैं पेंट करने के लिए मेटेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। हमें इसके बेस को थोड़ा एंटिक लुक देना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक के साथ साथ मेटेलिक गोल्ड और मेटेलिक कॉपर कलर को मिक्स करते हुए इसके बेस को पेंट कर लिया है। इसके बेस को पेंट करने के बाद हमें इसे ड्राई होने देना है। इसे पेंट करने के लिए मैं स्पॉन्ज का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे ब्रश से भी इजीली पेंट कर सकती हैं। इसे पेंट करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए रख देना है। बाद में हम इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल से म्यूरल कृष्णा जी बनाएंगे। तो देखिए इसका बेस अच्छी तरीके से पेंट हो गया है। म्यूरल कृष्णा जी को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे मोल्डेड क्ले का, जो कि मार्केट में और ऑनलाइन दोनों जगह बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। इन दोनों पैकेट्स में से क्ले निकाल कर हमें इसका अच्छी तरीके से डो बना लेना है। और अब हम बनाएंगे कृष्णा जी के फेस को। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कृष्णा जी का फेस बनाया है और इसे हम फेविकोल लगाकर इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि कृष्णा जी के फेस के नीचे मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर कर दिया है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि जब हम कृष्णा जी की बॉडी को इस ब्लैक कलर के ऊपर बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा उठकर दिखेगी। इस प्रोसेस को हमें पहले ही कर लेना है। सर, मैंने कृष्णा जी का फेस लगाने के बाद मुझे याद आया, आप इस प्रोसेस को पहले ही कर लीजिएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इन कृष्णा जी के फेस के ऊपर मैं दो लेयर लगा रही हूँ मोल्डेड क्ले की, इस तरीके से पतली पतली, जैसे कि कृष्णा जी का ये मुकुट लगेगा। दोनों लेयर्स को लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक छोटा सा पिकॉक फेदर जैसा लगा देंगे। कृष्णा जी के फेस को रेडी करने के बाद अब हम इसके नीचे का पोर्शन बनाएंगे। तो मैंने देखिए क्ले को कुछ इस शेप में मोल्ड कर लिया है और अब हम इसे इस फेस के नीचे स्टिक कर लेंगे। इसको स्टिक करने के बाद हम बनाएंगे हैंड्स को। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से दोनों हैंड्स को स्टिक कर लिया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से एयर ड्राई क्ले से आप बहुत ही ब्यूटीफुल से म्यूरल कृष्णा जी बहुत ही इजीली डीआईवाई करके बना सकते हैं। और इस तरीके के वॉल आर्ट को आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर अपने होम को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं और इस तरीके का म्यूरल क्ले आर्ट मॉडर्न होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एथनिक लुक भी देता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कृष्णा जी के शोल्डर पर एक अंगरखा स्टाइल में क्ले को मोल्ड कर दिया है और इसे कुछ इस तरीके से इनके शोल्डर पर स्टिक कर दिया है। अब हम बनाएंगे कृष्णा जी की बांसुरी को, जिसके लिए मैंने एक लोंग इस तरीके से मोल्डेड क्ले को मोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने ये स्टिक किए हैं दो स्टोन्स। ये दो स्टोन्स जैसे हैं जिनके ऊपर हम कृष्णा जी को बैठने वाला लुक देंगे। तो यहाँ पर दोनों स्टोन्स को वो लगाने के बाद हम कृष्णा जी के नीचे वाले पोर्शन को कुछ इस तरीके से बना लेंगे और उनके दोनों पैर को बना लेना है।
तो देखिए कृष्णा जी का ये म्यूरल आर्ट ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुका है। इनके दोनों लेग्स को बना लेने के बाद हम इनके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिटेलिंग करेंगे, जिससे कि इस वॉल आर्ट का और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक निकल कर आएगा। अब इनके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी बहुत ही छोटी छोटी सी डिटेलिंग करेंगे इनके क्लॉथ्स के ऊपर, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आपके पास इस तरीके के टूल्स नहीं हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी बहुत ही इजीली परचेस कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पे रखे हुए किसी भी नाइफ से, फोर्क से, या फिर एम्प्टी रिफिल से, रिफिल के पिछले वाले पोर्शन से भी इस तरीके की डिज़ाइंस को बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकती हैं। तो देखिए मैंने ये बहुत ही छोटी छोटी सी डिटेलिंग इस क्ले के ऊपर कर दी है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। आप इस तरीके की डिटेलिंग अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकती हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे डिफरेंट डिफरेंट लुक भी दे सकती हैं। तो देखिए ये डिटेलिंग इस तरीके से मैंने इसके ऊपर कर दी है। इसमें ये सारी डिटेलिंग करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने देना है। मेरे पास थोड़ी सी क्ले बच रही थी तो मैंने एक साइड पर ये ब्यूटीफुल सा पिकॉक फेदर बना दिया है और दूसरी साइड मैंने थोड़ी सी क्ले स्टिक कर दी है, जो कि एज मून मैंने बनाया है। अब हम इसे पेंट करेंगे। इसे पेंट करने के लिए मैंने मेटेलिक गोल्ड, ब्लू, ग्रीन और मेटेलिक कॉपर कलर का यूज़ करते हुए इसे पेंट किया है, और इसे पेंट करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। आप इसके कलर कॉम्बिनेशंस को अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इस म्यूरल वॉल आर्ट को एक एंटिक और एथनिक लुक देना था, इसके लिए मैंने इसके ऊपर मेटेलिक कलर्स का यूज़ किया है। आप इसे कलरफुल और वाइब्रेंट भी बना सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हुए। और फ्रेंड्स देखिए रेडी है हमारी ब्यूटीफुल सी कृष्णा जी म्यूरल वॉल आर्ट। इसे कंप्लीट करने के लिए मैं इसकी दोनों बाउंड्रीज पर इस तरीके के डायमंड शेप के छोटे छोटे से मिरर्स को स्टिक कर रही हूँ, जिससे कि इसमें थोड़ा और ग्लिटर एड होगा, थोड़ा और इसका एथनिक लुक आएगा, और ये मिरर्स इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहे हैं। अगर आपके पास इस तरीके के मिरर्स नहीं हैं तो आप इसके बाउंड्रीज पर कोई भी गोल्डन लेस को स्टिक कर सकती हैं, वो भी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी दोनों साइड बाउंड्रीज पर मैंने इन मिरर्स को स्टिक कर लिया है फेविकोल लगाकर। और फ्रेंड्स देखिए रेडी है हमारा ये ब्यूटीफुल सा कृष्णा जी म्यूरल वॉल आर्ट। इस तरीके का वॉल आर्ट एथनिक, एंटिक और मॉडर्न वॉल आर्ट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आई होप कि आपको ये DIY अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बनाएंगे कृष्णा जी की फेवरेट दही हांडी, जिसे मैंने कुछ इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एथनिक वे में डेकोरेट किया है। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक पुरानी मटकी रखी हुई थी, जिसे मैं वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लूँगी। इसे पेंट करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए रख देना है।
फ्रेंड्स, आप इस तरीके की मटके को बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वे में डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे बहुत ही ग्लिटरी, बहुत ही शाइनी और बहुत ही इजी वे में डेकोरेट करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्रेलिक कलर से इसके ऊपर ये पैटर्न बना लिया है इसकी नेक के अराउंड। इस मटके को कलर करने के लिए मैंने बहुत ही कलरफुल और बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ किया है, जो कि हमारे इस तरीके के फेस्टिवल्स में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस मटके के नेक पर यह पैटर्न बना लेने के बाद हमें इन्हें अच्छी तरीके से ड्राई होने देना है। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है ड्राई होने के बाद। अब मैं इसके इन कलर्स के ऊपर गोटा फूल को स्टिक करूँगी। मेरे पास कुछ इस तरीके के गोटा फ्लावर्स रखे हुए हैं जो कि बहुत ही शाइनी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर फेविकोल लगाकर इन फ्लावर्स को इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। फ्रेंड्स, इस DIY को मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी रखा है। मैंने इसके ऊपर बहुत ही सिंपल से ये फ्लावर्स को स्टिक किया है। अगर आपके पास भी इस तरीके के कुछ लेसेस, गोटा फूल, बीट्स, मोती रखे हुए हैं तो आप उनका यहाँ पर यूज़ करके इस मटकी को बहुत ही एथनिक वे में डेकोरेट कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने इन ब्यूटीफुल से गोटा फ्लावर को इसके नेक के अराउंड कुछ इस तरीके से स्टिक कर दिया है। अब मैं इन फ्लावर्स के बीच बीच में जो ये गैप लग रही हैं, इनके बीच में मिरर्स को स्टिक करूंगी। मिरर्स बहुत ही शाइनी और बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं किसी भी डेकोर में, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टच दे देते हैं। इसलिए मैंने इन फ्लावर्स के अराउंड कुछ इस तरीके से ये मिरर्स को स्टिक कर लिया है, और बाद में इन फ्लावर्स के ऊपर मैं थोड़ा और कलर ऐड करने के लिए इनके ऊपर स्टिक करूँगी पोम पोम को। इन सभी चीज़ों को जैसे जैसे मैं इस मटकी के ऊपर स्टिक करती जा रही हूँ, ये एक परफेक्ट एथनिक मटकी लग रही है, जैसे कि वेडिंग्स वगैरह में होती हैं। आप इस तरीके की मटकी को अपने मंदिर को डेकोरेट करने के लिए, अपनी बालकनी को डेकोरेट करने के लिए, या फिर आप इसे घर के किसी भी कॉर्नर में रखेंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो देखिए, मैंने इन कलर्स के पैटर्न्स को नीचे मिरर्स लगा कर कंप्लीट कर लिया है, और अब इस मटकी के नीचे वाले एरिया में मैं एक पतली सी गोटा लेस को कुछ इस तरीके से क्रॉस में रखते हुए स्टिक कर लूंगी, और रेडी हो जाएगी हमारी ये ब्यूटीफुल सी मटकी। गोटा लेस को कुछ इस तरीके से स्टिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ छोटे वाले गोटा फ्लावर्स भी रखे हुए थे, जिसको मैं नीचे की ओर कुछ इस तरीके से स्टिक कर लूँगी, और इन्हें स्टिक करने के बाद रेडी हमारी ब्यूटीफुल सी कृष्णा जी की दही हांडी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मेरे दो बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी DIY इस जन्माष्टमी थीम के ऊपर। आई होप कि आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स, अगर ये आइडियाज़ आपको अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, और इसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ मेरे एक और इंटरेस्टिंग और इजी DIY के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।